दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे BTS लीडर RM साउथ कोरिया के इलसान शहर से हैं और उनका पूरा बचपन भी यहीं बीता और उन्होंने यहीं अपनी पढ़ाई भी की थी। इसके साथ ही RM वहां जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके पास एक शॉप थी और वहां कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी RM को याद है और इस बात को RM ने सभी के साथ शेयर किया था। दोस्तों, BTS के फायर सॉन्ग रिलीज होने के बाद उन्हें उनका पहला लॉन्ग वेकेशन मिला था जिसमें कि RM अपने होम टाउन इलसान आए हुए थे और उसी दौरान RM अपने स्कूल के पास वाले शॉप पे भी गए। इसके साथ ही RM ने बताया उस स्टोर का जो ओनर था वो बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता था, पर RM बहुत दिन बाद अपने होम टाउन आए थे तो वो वहाँ उन्हें देखना चाहते थे, इस वजह से वो स्टोर में जाते हैं। पर उस दिन वो ओनर नहीं था बल्कि उनकी वाइफ स्टोर पे थी। RM उस स्टोर के अंदर जाते हैं और वहाँ J-Hope के पिक्चर को लगा हुआ देखते हैं। इसके साथ ही RM ने उस स्टोर में BTS के बहुत सारे मर्चेंडाइज को भी देखा। RM ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उस ओनर से पूछते हैं कि क्या आप इस ग्रुप को जानते हो, तो वो ओनर कहते हैं क्या वो पॉपुलर नहीं है। इसके साथ ही RM को BTS की चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी कि वो भी अब पॉपुलर हो चुके हैं। RM वहाँ अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर ही रहे थे तब तक दो लड़की स्टोर में आती हैं। वो RM को पहचान लेती है और कहती है कि ये BTS का मेंबर है ना। इसके साथ ही जैसे ही RM ने उनके इस बात को सुना वो घबरा जाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए ओनर के सामने ये बोलकर भाग जाते हैं कि मैं भी उस ग्रुप का मेंबर हूँ। पर बाद में फिर RM कहते हैं कि उन्हें उन दोनों लड़कियों से भागना नहीं चाहिए था बल्कि रुक कर उन दोनों को हेलो बोलना चाहिए था। इसके साथ ही आज वो बहुत ही ज्यादा सॉरी भी फील करते हैं कि उन्होंने अपने फैंस को हेलो नहीं बोला बल्कि वो वहां से भाग गए। इसके साथ ही दोस्तों, जब RM ने इस वीडियो को अपलोड किया तो उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने इस वीडियो को देख लिया था और उसने इस वीडियो पे कमेंट किया कि उस दिन वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और वो अब मिडिल स्कूल में पढ़ती है। इसके साथ ही दोस्तों, RM और उन दोनों लड़कियों को हमेशा ही ये शॉक वाली इंसिडेंट याद रहेगी क्योंकि उस दिन वो तीनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और RM ने भी कहा कि आज भी जब वो इस बात को याद करते हैं तो उन्हें बड़ा ही अजीब लगता है। तो दोस्तों, आपको RM की ये स्टोरी जानकर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।